दर्शकों, जवान मूवी से बवाल मचाने वाले और सिनेमा घरों में धमाल मचाने वाले अपने शाहरुख खान फिर से तैयार हैं ऐसी कमाल कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवीज लेके आने के लिए कि एक बार फिर से 1,000-2,000 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई दिख जाए फिल्में। यहाँ दोस्तों शाहरुख खान की आने वाली कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी है वो किंग खान की फिल्में जो कि 2023 लास्ट 2024 तक देखने को मिल सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं फटाफट अपकमिंग शाहरुख खान की मूवीज को। तो आप है हम है सारी चीजें हैं सेट, तो किस बात का है लेट, आइए देते हैं शाहरुख खान के अपकमिंग मूवीज की अपडेट। बदले में चाहते हैं आपसे छोटी सी भेंट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए ऑल पे सेट। दोस्तों बात करें शाहरुख खान ने पठान और जवान से अपना बेहतरीन वाला कमबैक कर लिया है। अब इसी के साथ वो और भी कई ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्में लेके आने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पठान और जवान तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों सबसे पहले इसी साल 22 दिसंबर को शाहरुख खान की डंकी मूवी आने वाली है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी साहब ने, जो इसके पहले थ्री इडियट और मुन्ना भाई जैसी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। शाहरुख खान के साथ इसमें होने वाली है तापसी पन्नू और इसमें विक्की कौशल का भी केमियो देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ही शाहरुख खान इसमें कोई एक्शन करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, ये एक कॉमेडी जोनरा की मूवी होने वाली है जिससे फिर एक बार शाहरुख खान आपका दिल जीतते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लें दोस्तों अपनी नेक्स्ट मूवी की, तो वो होने वाली है टाइगर 3 मूवी। जी हां दोस्तों, ये मूवी 10 नवंबर 2023 यानी कि इसी अगले महीने नवंबर में टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। दोस्तों पठान मूवी में आपने देखा ही था कि कैसे शाहरुख यानी कि पठान ने टाइगर से वादा किया था कि जब भी टाइगर को पठान की जरूरत पड़ेगी तो पठान का वादा है कि पठान टाइगर की मदद करने जरूर जाएगा। तो इसी के साथ शाहरुख खान का टाइगर 3 में बेहतरीन वाला केमियो देखने को मिल जाएगा। ये मूवी महेश शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई है और ये अंडर प्रोडक्शन भी है। अब बात की जाए दोस्तों शाहरुख खान की अगली अपकमिंग मूवी के बारे में, तो वहां तक जाने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, आपके लिए सिर्फ बेहतरीन बेहतरीन सी वीडियोस हम लाते रहते हैं। दोस्तों बात करें शाहरुख खान की अगली फिल्म की, वो होने वाली है जवान 2। जी हां दोस्तों जवान 2, जवान का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। जैसा कि आप सबने जवान के लास्ट में देखा कि अपने संजय दत्त, पाजी, विक्रम राठौर और आजाद को एक नया मिशन लेके जाते हैं कि यार एक नया मिशन है, और आपने जैसा कि देखा कि यहीं से जवान 2 का हिंट मिल जाता है कि एक और जवान का पार्ट आ सकता है। इसको खुद एटली ही डायरेक्ट करने वाले हैं और जवान का पार्ट 2 2024 में लास्ट तक देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी नंबर 1 फिल्म की, तो वो होने वाली है शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी टाइगर वर्सेस पठान। जी हां दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान, दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है और इसका बजट भी 400-500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं। एक तरफ होगा टाइगर तो एक तरफ पठान यानी कि शाहरुख वर्सेस सलमान की ये मूवी दोस्तों 2025 तक देखने को मिल सकती है। और इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं और इसे प्रोड्यूस करेंगे आदित्य चोपड़ा। जहां दोस्तों YRF की ये मूवी अपने स्पाई यूनिवर्स को कहीं और भी लेके जाने वाली है। आप भी देखेंगे टाइगर वर्सेस पठान की ये फाइट। मैं तो इस मूवी के लिए भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं और वो दृश्य देखने के लिए जब टाइगर वर्सेस पठान की मूवी सिनेमा घरों में आएगी तो भाई क्या ही बवाल मचने वाला है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। यहां तक हमारी बातें, थोड़ा सा करिए इंतजार, नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी हैं आते। धन्यवाद।